स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु गर्ग और आप सभी का इंडियन एजुकेशन चैनल हम में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पिछले लेक्चर्स में जो हम इंग्लिश का जो बेसिक पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे थे ना। तो उसमें सबसे पहले हमने नाउन पढ़ लिया दोस्तों, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है, वर्ब पढ़ लिया, ठीक है। वर्ब के सारे टाइप बता दिए मैंने, एक वर्ब के बारे में बोल रहा था पिछले लेक्चर में, उसके बारे में बता दूंगा। और आज हम नया पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा दोस्तों? एडवर्ब, ठीक है। नया पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा? एडवर्ब। इसके बाद बेटा दोस्तों, इसके बाद फिर मैं आपको जो है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 तरह के मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, लेकिन बेसिक जो 5 जो होते हैं अभी जो तुम्हारे काम आएंगे ज्यादा, वो ज्यादातर यही काम आते हैं, ठीक है। अब क्या करके दोस्तों, मैं जो प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता के आपको फिर हम आगे चैप्टर की ओर, जो टेंस का अगला चैप्टर है वो टेंस की ओर बढ़ेंगे, ताकि आपको अब जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो आए आप लोगों पे, और आप सेंटेंस को ज्यादा से ज्यादा बना सकें, और वर्ब उनमें क्या लगती है उसको आप पहचान के उसमें लगा सकें, ठीक है। तो आज हम एडवर्ब स्टार्ट करते हैं, और एडवर्ब स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपको वो जो दो एग्जाम्पल रह गए थे, जो दो वर्ब रह गई थी, उन दो वर्बों को बता के और फिर हम अपना एडवर्ब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक वर्ब और है दोस्तों। जैसे मैंने पिछले ज्यादातर जो वर्ब है ना, वो आप लोग समझ जाओगे किताब में देख के, या फिर आप जैसे भी पढ़ते रहोगे, रीडिंग करते रहोगे, तो ज्यादातर वर्ब जो है आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन जो कुछ वर्ब मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी, और आज जो ये दो वर्ब समझा रहा हूँ, बस इन दो वर्बों में मेनली क्या डिफरेंस रहता है, इनमें क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को जनरली, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगली जो वर्ब है वो है दोस्तों क्या? फाइंड। अगली जो वर्ब है दोस्तों वो है कौन सी? फाइंड, ठीक है। फाइंड माने क्या होता है दोस्तों, सबको मालूम है फाइंड माने क्या होता है? ढूंढना। तो फाइंड की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, सेकंड फॉर्म फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या है इसकी? फाइंड, फाउंड और फाउंड, सबको मालूम है फाइंड, फाउंड और फाउंड। इस फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना, है ना, ढूंढना किसी चीज को, ढूंढना, तो इसको लिख लेना। इस माना होता है फाइंड माने ढूंढना। एक और वर्ब होती है दोस्तों, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही होती है क्या? फाउंड। उसकी फर्स्ट फॉर्म ही होती है क्या? फाउंड। लेकिन उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फाउंडेड, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? फाउंडेड। और जो उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है, थर्ड फॉर्म होती है उसकी क्या होती है? फाउंडेड। फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है जैसे उसकी होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है ढूंढना, मतलब टू सर्च, और इसका मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। स्थापित करना मतलब टू एस्टाब्लिश, टू एस्टाब्लिश। एस्टाब्लिश माने क्या होता है? किसी चीज को स्थापित करना या फिर किसी चीज को लगाना। तो ये क्या होती है? दो बार होती है, फाइंड और फाउंड। इनमें क्या जनरली गलती होती है वो आप समझ लो एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखो दो एग्जाम्पल बता देता हूं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या शॉर्ट फॉर्म में कहें क्या? INC, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, ठीक है, वॉज, एक तो मैंने लिख दिया यहां पे फाउंड, और एक मैंने लिख दिया क्या? फाउंडेड। Was found in 1885.
दोस्तों इससे आपको एक चीज समझ में आ, एक चीज मैं आपको याद करवाया था बेटा, अपनी जो एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी है सबको मालूम होगा शायद, उस सबको नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे शॉर्ट में कहते हैं आईएनसी, ठीक है। आईएनसी जो एक नेशनल पार्टी है, वो सबसे पहले जो फाउंड हुई थी पार्टी, वो पार्टी फाउंड हुई थी बेटा 1885 में, ठीक है, कौन सी में हुई थी 1885 में, 1885 में। ये एक जीके का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, सीधे क्वेश्चन आता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। और दूसरी चीज जब जिस समय जब ये बनी थी उसकी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये एक क्वेश्चन आता है, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके उस समय अध्यक्ष थे ए ओ ह्यूम, ठीक है। उसके जो अध्यक्ष, जैसे अभी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, राहुल गांधी, तो उस समय ऐसे प्रेसिडेंट कौन थे, ए ओ ह्यूम, एच यू एम ई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा था, मैं यही बता रहा था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ फाउंड आएगा, फाउंडेड आएगा, तो देखो दोस्तों जनरली क्या होता है, वॉज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अगर किसी को से टेंथ की नॉलेज है, जैसे बताऊंगा आगे, किसी को अगर टेंथ की नॉलेज है तो वो बच्चा ये कहेगा कि सर यहाँ पे ना तो फाउंड आएगा ना फाउंडेड आएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ाया कि वहां पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी लगता है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, तो बेटा दोनों ही गलत नहीं है, इनमें से केवल एक गलत है और एक सही है। इनमें क्यों एक गलत है क्यों सही है, क्योंकि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी हम आगे बताऊंगा मैं आपको, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट तो दे रखी है बीच में, क्योंकि कोई काम यहाँ पे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो कांग्रेस है उसकी स्थापना खुद ही हो गई होगी, यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना किसी ने की होगी, है ना। और जब कोई काम कोई करता है ना तो उसको अपन किस में लिखते हैं, उसको हम पैसिव में लिखते हैं, ना कि एक्टिव में, ठीक है। ये अंतर होता है एक्टिव और पैसिव में, कि एक्टिव सेंटेंस कब लिखते हैं, पैसिव कब लिखते हैं, ये जब मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस की स्थापना वो किसी ने की थी, तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा किसमें आएगा, पैसिव फॉर्म में आएगा, और पैसिव फॉर्म में आएगा तो बच्चों आप सबको मालूम है पैसिव वॉइस वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगती है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो फाउंड लगेगी या फिर फाउंडेड लगेगी, ठीक है, फाउंड लगेगी या फिर फाउंडेड लगेगी। अभी देखो इस ये बात है फाइंड है, अगर इस बात फाइंड की मैं ये थर्ड फॉर्म लगाऊ फाउंड, तो इसका मतलब क्या है, ढूंढना, ये बताया था मैंने। और इस बात फाउंड की थर्ड फॉर्म में फाउंडेड, इसका मतलब स्थापित होना या फिर टू एस्टैब्लिश, मतलब स्थापित होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ढूंढी गई थी या फिर स्थापित की गई थी, ढूंढी गई थी या स्थापित की गई थी, स्थापित की गई थी दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे फाउंड ना आके क्या आएगा दोस्तों, फाउंडेड। बोले बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फाउंडेड, मतलब इस वाले फाउंड की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। बोलो कोई डाउट, ठीक है, बताओ सेंटेंस को, अच्छा सेंटेंस है ये, ठीक है। और ये सेंटेंस का मतलब कैसे बने हैं, केवल मैंने यहाँ पे जो आपको वर्ब समझाने की कोशिश करी है, सेंटेंस हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इनको बनाते हैं और कैसे हम उस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, अगला जो था एक सेंटेंस और देख लो, इसमें जो वर्ब थी उसके ऊपर और बता देता हूं मैं, आई हैव एक तो मैंने यहां पर लिख दिया दोबारा भाई फाउंड, आई हैव फाउंड, और दूसरा लिख दिया फाउंडेड, आई हैव फाउंड फाउंडेड दैट बुक, ठीक है। या फिर आगे और लिख देता हूं थोड़ा सा, इसको दैट बुक की जगह छोड़ दो, इसको डाल लिख दो, आई हैव फाउंडेड, आई हैव फाउंड फाउंडेड द बुक दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसी से हम आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, नीचे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे चैप्टर में, और इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको
इस सेंटेंस में आगे बताते हैं, तो फाउंडर फ्रेंड की बात बता रहा हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो, अब बताओ मुझे यहाँ पे फाउंड आएगा फाउंडेड आएगा, फटाफट से बता दो फाउंडेड क्या है, फाउंड आएगा तो समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्प जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ क्या आएगी, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सीधा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये ऐसा नहीं है कि पैसिव फॉर्म में, ये है एक्टिव फॉर्म में ही, और एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें कौन सी आती है, वर्ब की मतलब हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंड। मैं मुझे मतलब मुझे वो मुझे किताब मिल चुकी थी, ठीक है, मैंने वो किताब मैं किताब ढूंढ चुका था जो कि जिसको मैंने कल खो दिया था, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, ठीक है। कोई डाउट? अब थोड़ा सा मैं जो पिछला बस रिटेन कर पाया था मैं हल्का सा, यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या है, मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब जो होती है मैंने आपको बता रखा था कि जिसकी वर्ब की जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फाइंड जो है जिसकी थर्ड फॉर्म क्या है, फाउंड है, वो क्या एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, ठीक है। और जो डूअर होगा सेंटेंस में वो क्या, आई, आई क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम को करता है, जो एक सेंटेंस में हुक का जो रिप्लाई देता है कौन होता है उस सेंटेंस में, जनरली सब्जेक्ट। तो किसने बुक ढूंढी है, ये वाली आई ने बुक ढूंढी है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और मैंने पहले पढ़ा रखा था जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होते हैं वो या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन, ठीक है। एक सेंटेंस में जो नाउन होता है वो क्या क्या होता है, एक तो नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है ये क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। आई है फाउंडेड व्हाट, मैंने क्या ढूंढ ली, बुक, एक ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का व्हाट या हुम से रिप्लाई, सॉरी मेंबर से व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में व्हाट या हुम का रिप्लाई मेंबर से क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट का रिप्लाई होगा तो क्या होगी, एक तरह से जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा दोस्तों, रिसीव, और अगर वो होगा, अगर हुम होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट, अगर हुम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, सचिव। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा रिविजन करवा रहा हूं आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहां पे सारा चीज मैंने पढ़ा रखा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जनरली क्या होता है, नाउन या फिर जनरली क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुक क्या है ये कौन सा है, ये नाउन है, ठीक है। और बुक जो नाउन है ये कौन सा नाउन है बताओ, कॉमन नाउन, सब चीज बता रखी है। अगर दोस्तों अगर इसी लेक्चर पे आ जाओ डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, पिछले लेक्चर्स को देखो बार बार में और उनको समझो, तभी बेसिक चीजें आपको समझ में आएंगी और तभी आपको आगे टेंशन समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे। ये बच्चों हर बच्चे की ये प्रॉब्लम रहती है सर, एक सेंटेंस में क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो दैट है ना, ये दैट यहाँ पे दोस्तों, ये दैट क्या है, कंजंक्शन है, जो एक अपना अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो क्या है, जो मैं बताने जा रहा हूं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन ये है, ठीक है। कंजंक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, कंजंक्शन वो होते हैं दोस्तों जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अब सर कैसे पहचानेंगे इसमें दो सेंटेंस है या एक ही सेंटेंस है, देखो अगर जिस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, देखो एक सब्जेक्ट ये रहा आई और एक सब्जेक्ट ये रहा आई, या फिर सब्जेक्ट भी ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट ना मिले, लेकिन जिस सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए और उन दो वर्बों को जोड़ने का काम कौन करेगा दोस्तों, उस सेंटेंस में दो वर्बों को जोड़ने का काम करेगा क्या, कौन, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है दैट वो क्या कर रहा है, एक तरह से वो दो सेंटेंसों को, एक सेंटेंस ये है, इस सेंटेंस को फ्रेज भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना, अच्छे अच्छे वर्ड है ये, लेकिन बहुत भारी भारी से वर्ड है, इस सेंटेंस को एक फ्रेज बोल दिया, इस सेंटेंस को एक फ्रेज बोल दिया, तो इन दो फ्रेजों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, ठीक है। तो कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं वो मैं सेंटेंस के माध्यम से आगे बताता रहूंगा, ठीक है। कंजंक्शन नाम से स्पष्ट है, दो चीजों को जोड़ने वाला काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट नंबर टू, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट नंबर वन, किसी को कोई डाउट। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब नंबर टू, कौन, मेन वर्ब नंबर वन, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, तीन फॉर्म होती है, ठीक है, तीन फॉर्म होती है, तो क्या हो गया, लॉस्ट, लॉस्ट,
लॉस्ट। अब यहां पे देखो दोस्तों यस्टरडे क्या है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं ये कहूं जनरली बच्चे कहेंगे इसमें कि सर ये क्या है यस्टरडे ऑब्जेक्ट है ये पढ़ते आ रहे हो आप कि सर एक सब्जेक्ट आएगा एक मेंबर आता है उसके बाद तुरंत ही लगा देते हैं बच्चे ऑब्जेक्ट। लेकिन अब दोस्तों अब तुम आगे बढ़ गए हो ठीक है, अब ऐसा मत कहना सर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट होता इसका मतलब ये क्या होता, या तो नाउन होता या फिर प्रोनाउन होता, बात समझ में आ रही है, या तो ये नाउन होता या फिर क्या होता प्रोनाउन होता। अब दोस्तों यहां पे आते ये यस्टरडे बताओ मुझे नाउन है क्या, यस्टरडे जितनी भी चीज है यस्टरडे मैंने पढ़ा रखी है उनमें से मैंने नाउन बताया था कि जितने भी नाउन के टाइप बताए थे नहीं बताया था, प्रोनाउन प्रोनाउन तो केवल मैंने आठ तरह के बता रखे हैं आई वी फिर उसके बाद अवर सॉरी आई वी उसके बाद यू ही शी इट दे ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव केस थे यही मैंने केवल वो बता रखे थे। अगर ऑब्जेक्टिव केस में आते अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन आते, यहाँ पे तो उनमें से कोई भी नहीं है तो सर ये क्या है मतलब यहाँ पे ये ना तो ये फिर तो ये नाउन ना तो ये नाउन है नाउन भी नहीं है और ये प्रोनाउन भी नहीं है, अगर ये नाउन भी नहीं है प्रोनाउन भी नहीं है तो इसका मतलब ये है दोस्तों ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, हटा दिया मैंने ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ठीक है। अब क्या रह गया अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या पढ़ लिया वर्ब, वर्ब इसमें आएगी दोबारा वर्ब नहीं आएगी। अच्छा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है दोस्तों मुझे बताओ, एडजेक्टिव मैंने क्या बताया था एडजेक्टिव जो होता है वो दोस्तों एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये बताया था इट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन, जब यहां पे कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा तो ये किसकी विशेषता बताएगा, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा रखा था पहले जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल है बिग बैग अ बिग बैग ठीक है, यहां पे ये बैग क्या है नाउन है सबको मालूम है लेकिन ये बैग की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, नाउन की क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है और विशेषता बता रहा था इसलिए यहां पे बिग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ठीक है, और एडजेक्टिव भी कौन सा हो जाएगा क्वालिटी बताने वाला, और क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव कौन सा होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ठीक है, तो ना फिर यहां पर किसकी विशेषता बता रहा तो इसलिए ये खत्म हो गया एडजेक्टिव भी नहीं बचाए। इसके बाद अब क्या बच गया दोस्तों, अब यहां पे आ गया अपने पास एडवर्ब, अब यहां पे दोस्तों ये क्या है एडवर्ब ठीक है एडवर्ब, अगर कोई बच्चा क्या है सर आठ आठ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं चार मैंने आपको बता दिए पांच सर एडवर्ब को छोड़ दो भी, छठवां क्या बताया था मैंने कन्वेंशन, कन्वेंशन हो सकता कन्वेंशन यहां पर दैट आई गया ठीक है, सातवां क्या होता है सातवां मैंने क्या बताया था दोस्तों प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो होते हैं सबको मालूम है क्या कौन कौन से होते हैं इन अंडर ओवर ठीक है एट ये सब क्या है ऑफ ये सब क्या है प्रीपोजिशन, जो मैं बताता था कि एक तो प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है काफी सारे सेंटेंस में बता रखा है मैंने फ्रॉम हो गया वो सब क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के लिए हो सकता है यस्टरडे। आठवां क्या है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन से क्या होते हैं इंटरजेक्शन पर सुन लो जैसे हुर्रा एलास ये सब क्या है हुर्रा और एलास वगैरह ये सब क्या है दोस्तों ये सब है अपने इंटरसेक्शन, ये सब आप पढ़ोगे ये सब पढ़ोगे आप जब पढ़ोगे डायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ते हैं दोस्तों एक सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी में पढ़ते हैं अपन हुर्रा और एलास के बारे में ठीक है, तो वो हम आप पढ़ेंगे बहुत शॉर्ट में होता है हुर्रा एलास वो हम पढ़ते खत्म कर देंगे ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमने सारे पार्ट ऑफ स्पीच देख लिए हमें समझ में नहीं आया तो लास्ट में कौन सा रहेगा दोस्तों एडवर्ब, तो इसका मतलब ये क्या है स्टडी तो दोस्तों हेडिंग लगाओ एडवर्ब बोलो बात समझ आई कि नहीं ठीक है। जनरली क्या होता है दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको जनरली ये एक फिक्स नहीं है ये ठीक है, एडजेक्टिव अगर मान लो आपको पहचान में जैसे अगर आ जाते हैं सेंटेंस देखते हुए पहचान में अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहचान में नहीं आते हैं ना ठीक है तो आप कोशिश कर सकते हो एक सेंटेंस में जनरली विच और व्हाट काइंड ऑफ Which और what kind of का जो रिप्लाई होता है ना वो उस सेंटेंस में क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ही जैसे मैं बोलूं ही बॉट ए बिग हाउस जैसे अगर मैं इसको बिठाऊं जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला ही बॉट अ बिग हाउस उसने एक बड़ा घर खरीदा था ठीक है, तो ही बॉट ए बिग हाउस यहां पे बॉट क्या होगी सबको मालूम है बाई बॉट बॉट
क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अब मेन वर्ब भी कौन सी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ही वॉट, उसने क्या खरीदा, हाउस को खरीदा, तो हाउस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो बिग, अब यहाँ पे बिग क्या है, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो पहली बात। दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर ये कैसे, अगर ये, अगर इसकी मैं कहूं एडजेक्टिव है, उसने व्हाट काइंड ऑफ, उसने किस तरह का घर खरीदा, उसने बड़ा घर खरीदा, व्हाट काइंड ऑफ क्या होता है, किस तरह का, ठीक है, तो उसने किस तरह का घर खरीदा, तो उसने ही बॉट व्हाट काइंड ऑफ हाउस, रिप्लाई मिल रहा है, ही बॉट व्हाट काइंड ऑफ हाउस, तो उसने कौन सी तरह का घर खरीदा, बिग घर खरीदा उसने, जैसे बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉल होता तो उसने व्हाट काइंड ऑफ हाउस, ही बॉट स्मॉल, या फिर उसने बड़ा घर खरीदा है तो व्हाट काइंड ऑफ हाउस ही बॉट बिग, तो बात समझ में आ रही है। तो जनरली विच और व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई होता है दोस्तों, उस सेंटेंस में क्या होता है, उस सेंटेंस में होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम बात करें एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब का जो रिप्लाई देता है वो बाकी, जैसे जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं ना, बाकी डब्ल्यू एच वर्ड जो रह गए विच और व्हाट काइंड ऑफ के अलावा, ठीक है, देखो तो उससे कंफ्यूज मत होना, वहां पर केवल व्हाट था, ठीक है, किसमें, ऑब्जेक्ट पहचानने में, यहाँ पे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, या फिर बिच माने क्या होता है इंग्लिश में, कौन सा, तो कौन से चीज समझ सकते हो, उसने कौन सा घर खरीदा था, बड़ा घर खरीदा था, उसने कौन सा घर खरीदा था, छोटा घर खरीदा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। एडवर्ब का देखो, एडवर्ब का रिप्लाई मिलता है जनरली किससे मिलता है, वाई वैन हाउ और वेयर से, किससे, वाई वैन और हाउ और वेयर से, देखो उसने उसकी जो बुक खो चुका था, जो उसने बुक खो गई थी उसकी, मतलब दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, उसको मतलब उसकी जो बुक कल खो गई थी उसको उसने आज मिल गई एक तरह से, ठीक है, वो बुक उसकी मिल चुकी है, ये इसका अर्थ है। तो आई लॉस्ट यस्टरडे मतलब उसने उसकी बुक जो थी वो कब खोई थी, वैन माने क्या होता है कब, तो कब खोई थी मतलब कल खोई थी, तो कल का यहाँ पे उत्तर कौन दे रहा है, यस्टरडे, मतलब वैन का उत्तर कौन दे रहा है वहां पे, यस्टरडे, इसलिए यस्टरडे क्या हो जाएगा वहां पे, ठीक है, ये जनरली है, ये हमेशा काम नहीं करेंगे दोस्तों, जनरली बता रहा हूं मैं आपको, कुछ सेंटेंसों में या छोटे सेंटेंसों में वो आपको समझ में आ जाएंगी कि हम कैसे पहचान सकते हैं, बाकी आपको थोड़ा सा उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बता ही रखा है एडजेक्टिव की परिभाषा बता रखी है, ठीक है, अब मैं एडवर्ब की परिभाषा बताऊंगा आगे, ठीक है, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या होती है, केवल नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है, ठीक है, अब मैं इसको आगे रफ कर रहा हूं, और रफ करके अपन आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम अपना जो हेडिंग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, एडवर्ब। अच्छा, ये बहुत डिटेल में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, और बच्चों यही बेसिक होता है इंग्लिश का, अगर ये बेसिक आपको नहीं आएगा तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, ठीक है, और ये जनरली आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, ये इंग्लिश में जनरली ये चीजें, ठीक है, तो आप इन सब चीजों को बहुत तरीके से, अभी आपकी जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी आपकी क्लासेस नहीं चल रही है, ठीक है, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है, हेडिंग लगाओ दोस्तों एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब की डेफिनेशन होती है दोस्तों, इट्स क्वालिफाइज द ठीक है, इट्स क्वालिफाइज द वर्ब, किसको, वर्ब को क्वालिफाई करता है, देखो नाम में लिखा है तो वर्ब को, वर्ब में कुछ ऐड कर दिया उसकी विशेषता बता देगा तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, सबसे पहला वर्ब, दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे खुद, अगर ये एक सेंटेंस में अगर एडवर्ब है, एक सेंटेंस में आपने पहचान लिया एडवर्ब है और दोबारा एक और सेंटेंस में एडवर्ब आ जाए, ठीक है, तो मतलब ये एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर दे तब भी क्या होती है, एडवर्ब ही होती है, ठीक है, एक एडवर्ब को एडवर्ब भी क्वालिफाई करेगा और एक एडजेक्टिव को भी अगर क्वालिफाई करेगा तो ये क्या होगा दोस्तों, इट क्वालिफाइज द वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव।
ठीक है। एडजेक्टिव की केवल डेफिनेशन ये थी कि किसकी विशेषता बताता है दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन की, याद रखना ये केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ये वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की, ठीक है। बता दो इसको, हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ एडवर्ब, कुछ मैं एडवर्ब की टाइप पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है, एडवर्ब की टाइप पढ़ा देता हूँ ताकि आप कुछ एडवर्ब याद हो जाएंगे, उनके एग्जाम्पल लिखते जाना आप। सबसे पहले मैं लिखता हूं टाइप ऑफ एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होगा, ये टाइप पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या होंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखो सून हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, अर्ली सून लेट यस्टरडे टुमारो बिफोर, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के एडवर्ब हो गए, ठीक है, मतलब सून हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, बिफोर हो गया, टुमारो हो गया, यस्टरडे हो गया, स्टिल हो गया, एगो हो गया, ठीक है, ये सेंटेंस में आ जाए ना तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सेंटेंस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम। लिख लिए सारे एग्जाम्पल फिर लिखू बोर्ड पे, ठीक है, सून हो गया, अर्ली हो गया, सून अर्ली टुमारो यस्टरडे, लिखना दोस्तों, टाइम को खराब करते जा सकते लिखने पे, अपना सबको स्पेलिंग आती है इनकी, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा बस ये है कि सुनने में और समझने में ध्यान दो, है ना, और जो मैं बोल रहा हूं उनको लिखते जाओ, ठीक है। सून एक बार होता है, सून हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, बिफोर टुमारो यस्टरडे स्टिल एगो येट, और भी बहुत सारे होते हैं, चलते रहेंगे वो आते रहेंगे, ठीक है। दूसरा देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखो कौन कौन से होते हैं, हियर हियर देयर, यहां वहां, हियर देयर समवेयर, हेयर हो गया, देयर हो गया, समवेयर हो गया, एवरीवेयर हो गया, नाउवेयर हो गया, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस माने क्या होता है, स्थान, टाइम माने क्या होता है, समय, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अगला देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कोई टाइप का भी कोई तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जैसे मैंने तरफ में एडजेक्टिव टाइप पढ़ाए थे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रॉपर पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव पजेसिव पढ़ाए थे, तो कोई तुमसे टाइप नहीं पूछेगा, लेकिन इनके माध्यम से तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ ये एडवर्ब है, ठीक है। अब ये कोई ये पूछे कि हेयर हेयर और हेयर क्या है, तो तुम सेंटेंस में कह दोगे सर सीधे ये क्या है, एडवर्ब है। अब तुमसे ये नहीं पूछेगा कि ये एडवर्ब है, किसका टाइप है, लेकिन बस तुम्हें जनरली बस पता होना चाहिए चीजों के बारे में, ठीक है। अगला क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में देखो मैनर बता, मैनर इसका इनका एग्जांपल क्या होगा, इनका एग्जांपल होगा देखो दोस्तों, ब्रेवली नाइसली, ब्रेवली ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर, तो ब्रेव में एलवाई लगा दिया, ब्रेवली नाइसली इजिली इजिली, वेल डब्ल्यू डबल एल वेल, रूडली रूडली, रूड माने क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है ना, रूडली एरोगेंटली एरोगेंटली, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एक चीज और बताया तो मैं यही साथ के साथ में, फिर बाद में मुझे याद नहीं रहे, जनरली क्या होता है दोस्तों, जैसे देखो ब्रेव जो होता है ना, ब्रेव देखो इन सब चीजों के लिए आप लोगों ने डिक्शनरी यूज किया होगा दोस्तों, जितनी ज्यादा डिक्शनरी यूज करोगे ना आपको समझ में आएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा ना तो उसको सेंटेंस में लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगा देते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव की लगा देते हैं, एडवर्ब एडवर्ब की लगा देते हैं, सब्जेक्ट, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती होगी नहीं होगी, ठीक है। तो आप जितने देखोगे ना उससे आप समझ में आएगी। जनरली देखो दोस्तों आप जैसे अक्सर होगे इसको डिक्शनरी में, ब्रेव जो होता है ना वो क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मैंने एलवाई लगा दिया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेवली, ठीक है, ये क्या बन गया, ब्रेवली। जनरली मैं बता रहा हूं दोस्तों ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये कोई
एक प्रॉपर रूल नहीं है ये, इसका अपवाद भी है। लेकिन अगर एडजेक्टिव में, अगर एलवाई लगा दोगे ना, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो वो बन जाएगा दोस्तों क्या, एडवर्ब। एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगा दोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, और अभी मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ये एग्जाम्पल के नाम पे समझ में आएगा। अगर नाउन में एलवाई लगा दोगे, नाउन में एलवाई लगा दोगे तो दोस्तों वो बन जाएगा एडजेक्टिव। नाउन में एलवाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपके यहां एक्स्ट्रा बता दिया, ये चीज नोट कर लेना। तो यहां पे ज्यादातर देखो, ज्यादातर मैंने जो बताया था उसमें एलवाई लगा हुआ केवल वेल के अलावा। ठीक है, तो आप फर्क करना, वेल क्या यहाँ पे, वेल यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, वेल यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो ये फटाफट खत्म कर लो, एडजेक्टिव के टाइप और एडवर्ब के टाइप, फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एडवर्ब मैनर हो गया। अब अगला देखो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगला देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल होते हैं डेली, एवरीडे, सेल्डम। जैसे डेली हो गया, डेली, सेल्डम, सेल्डम मान होता है कभी कभार, डेली, सेल्डम, एवरीडे, ओकेजनली, नेवर, रेगुलरली। ठीक है, नेवर, ओकेजनली, रेगुलरली, मतलब कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, कोई काम मतलब डेली हो रहा है कि कभी कभार हो रहा है कि ओकेजनली हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कौन सा है देखना, नंबर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में जो एग्जांपल होंगे वो क्या होंगे, बैरी, सो, बैरी हो गया, सो हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, एनफ हो गया, एनफ हो गया, फार हो गया। ठीक है, फार हो गया, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी जो बढ़ा दे, किसी चीज की जो इंटेंसिटी बढ़ा दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, कितने हो गए, पांच हो गए, एडवर्ब टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, डिग्री, और एक और लास्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक है, पर एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो केवल केवल है फिलहाल की नॉट। एडवर्ब ऑफ निगेशन इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या है, नॉट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको ये एडवर्ब के टाइप पढ़ा दिए हैं, थोड़ा सा आगे इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे एडवर्ब को। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कुछ भी अगर इसमें डाउट रह गया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको ये पसंद, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो इसमें डिसलाइक का बटन दबाएं, और मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, खुश रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।